सपा के वर्चुअल रैली में लोगों के हुजूम को देखकर योगी बुरी तरह से बौखला गए हैं। लखनऊ में हुए वर्चुअल रैली में लोगों की हुंकार को सुनकर बीजेपी सरकार के कानों के पर्दे फट गए, जिसके कारण योगी इतने ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि सत्ता का फायदा उठाकर योगी ने सपा नेताओं समेत 2500 लोगों पर FIR दर्ज करवा दी है। जी हां, 2500 लोगों पर FIR। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने 8 विधायकों के साथ सपा में शामिल हो चुके हैं। विपक्ष को मजबूर और अपनी पार्टी को चुनाव में हारते देख योगी सरकार ऐसे तिलमिला गई है जैसे मछली गर्म रेत पर पड़ने के बाद तिलमिलाती है। और अपनी इस तिलमिलाहट को दूर करने के लिए योगी सरकार ने सपा नेताओं समेत 2500 लोगों पर FIR ये कहते हुए दर्ज करवाई है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। भैया, ये तो वही बात हो गई कि तुआड्डा कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी। जब पीएम मोदी या अमित शाह खुलेआम रैली करते हैं तब ना तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है, ना कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, और इससे भी कहीं ऊपर ना भाजपा कि किसी भी नेता या कार्यकर्ता के ऊपर कोई FIR या केस ही दर्ज कराया जाता है। मतलब सभी गाइडलाइंस बस विपक्ष के लिए है, ये जब चाहे तब रैली कर सकते हैं और भला करे भी क्यों ना। सत्ता का दुरुपयोग फिर कैसे होगा अगर ऐसा ना किया गया तो, जिसका जीता जाता सबूत है न्यूज नाउ इंडिया के ट्विटर हैंडल से अपलोड किया गया ये फोटो और ये ट्वीट, जिसमें न्यूज नाउ इंडिया लिखते हैं, महामारी एक्ट बीजेपी के लिए नहीं विपक्ष के लिए है। लखनऊ सपा कार्यालय के कार्यक्रम पर धारा 144 तोड़ने और महामारी एक्ट के तहत FIR हुई, लेकिन महामारी एक्ट भाजपा पर लागू नहीं है। तस्वीरें आज नोएडा की है जहां विधायक पंकज सिंह अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब जनता योगी सरकार से पूछना चाहती है, अब कहां गई धारा 144 और कहां गया महामारी एक्ट? क्या अब उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या अब योगी जी आप कोई FIR दर्ज नहीं करवाएंगे? वैसे भी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करना हमेशा से ही बीजेपी सरकार की नीति का हिस्सा रहा है, ये सब जनता पहले से ही जानती है और जनता का यही आक्रोश ट्विटर पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक ट्विटर यूजर प्रणोब कुमार रॉय लिखते हैं, क्या पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन पूर्व में नहीं किया है? सपा की वर्चुअल रैली पर बीजेपी की घोर आपत्ति है, पर पीएम ने ही पूर्व में कितनी बार आचार संहिता का उल्लंघन किया है उसकी सूचना आयोग EECISVEEP के पास होनी चाहिए, तब क्यों चुनाव आयोग खामोश रहे? इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहें MIM News Express के साथ।